सब्सक्राइब कीजिए काम के वीडियो चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भावेश नांगले और आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से और स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी की भी जीमेल आईडी से अगर हमें सामने वाले का जीमेल पासवर्ड अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप सामने वाले का फ़ोन लीजिए, उसकी जो जीमेल अकाउंट होता है यहाँ पर अपना ऐड अकाउंट कीजिए और ऐड अकाउंट करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप जीमेल आईडी से कैसे आप उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ऐड अकाउंट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने जीमेल में जाना है। यहाँ पे ऊपर में 3 लाइन दिख रही होगी लेफ्ट साइड में ऊपर में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो अकाउंट है, यहाँ पे मेरे 2-3 अकाउंट ऐड है, यहाँ पे 3 अकाउंट ऐड है, यहाँ पे आपको ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप गूगल पे क्लिक करेंगे, ये कुछ प्रोसेस है इसकी, ये पासवर्ड वगैरह मांगेगा। तो यहाँ पे आप ईमेल डालने के लिए आप बोलेगा, तो आपको ईमेल वगैरह यहाँ पे टाइप करना अपना। तो इस तरह आप सामने वाले के विक्टम के मोबाइल पे अपना ईमेल एड्रेस डाल दे और पासवर्ड डाल दे। इससे क्या होगा दोस्तों, सामने वाले को समझ में भी नहीं आएगा अगर उसके मोबाइल में आपकी ईमेल आईडी है भी। तो अगर आप कोई स्पाय या कोई लोकेशन ट्रैकर करके अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो वो यहाँ से उठाएगा और इसको यहाँ से अनइंस्टॉल मार देगा। वो बोलेगा कि मैं फालतू ये चीज़ें नहीं रखता। पर अगर आप जीमेल आईडी उसके अकाउंट में या मोबाइल में ऐड कर देते हो तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूँ कि आप इसे ट्रैक कैसे कर सकते हो जीमेल से। ठीक है दोस्तों, आपको अपना जीमेल अकाउंट खोलना है। ठीक है, यहाँ पर आप अपना वाला जीमेल अकाउंट डालें जो आपने विक्टम के मोबाइल में डाला था। यहाँ पर आपको कुछ पासवर्ड और ईमेल आईडी पूछेगा, आपको वो चीज़ें ऐड करनी है। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी जीमेल आईडी जो है ये ओपन हो रही है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपने भी अपनी वही जीमेल आईडी डालना है जो सामने वाले के विक्टम के एंड्रॉयड फ़ोन में डाली है। ठीक है, नॉर्मल फ़ोन भी हो तो भी चलेगा, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं कि स्मार्टफोन ही होना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये नीचे आने के बाद में राइट साइड में नीचे साइड में एक लास्ट एक्टिविटी 11 मिनट एगो और उसके नीचे डिटेल्स लिखी। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है डिटेल मिल जाएगी, ये जो है ब्राउज़र क्रोम जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके पहले की डिटेल ये है एप्लीकेशन। तो इस पे हम देखते हैं, हमें मोबाइल की पूरी डिटेल मिल जाती है, कौन सा वर्ज़न है, 6.0.1 मार्शमेलो है और मोबाइल का नाम है J5 सैमसंग का है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जियो 4G नेट है मेरे पास में अभी। तो यहाँ से आपको ये डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो इंडिया MP इसके आगे में जो कोष्टक में लिखा है 2-4 की लाइन से आपको ये पूरा कॉपी करना है। यहाँ से आप ऐसे मिनिमाइज़ कर दें, आपको एक न्यू टैब खोलनी है, यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं व्हाट इज माय IP एड्रेस। ये तो आपका एड्रेस आ जाएगा, इसके नीचे में आपको एक लिंक दिख रही है ये टूल्स एंड मोर करके, आप इस पर क्लिक करें। आपको जो यहाँ पे एक सर्च बार का आइकन दिख रहा होगा राइट साइड में ऊपर, यहाँ पे आपको ये IP एड्रेस पेस्ट करना है और सर्च करना है। ये आपकी IP एड्रेस की डिटेल यहाँ पे निकल आएगी। आपको यहाँ नीचे पे आना है, यहाँ पे जो जियो लोकेशन इंफॉर्मेशन है यहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, कंट्री इंडिया, मध्य प्रदेश, उसके अंदर में मैं अभी तुरंत में भोपाल में हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये मैप के इस पर देख सकते हो मेरी लोकेशन बता रहा है। मैं से अगर जूम करता हूँ तो ये एक्चुअल लोकेशन जो है मेरी ये आपको यहाँ पे दिखा देगा, ये MP में मैं भोपाल में हूँ अभी और इसे मैं जूम करूँगा तो ये रोड वगैरह, ये अयोध्या बाईपास रोड सब कुछ यहाँ पे ये आ गया है।
तो ऐसे आप सामने वाले की विक्टिम की लोकेशन आप ट्रैक कर सकते हो ओनली जीमेल से, वो भी उसे पता नहीं लगेगा। सो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।